गुमनाम और गुमशुदा चीजों की खोज करना एक कला है और इस कला ने हमें देश के कई कोनों से रूबरू कराया है। पर आज हम आए हैं एक ऐसे समुदाय के दर पर जो खुद की गुमनामी की चौखट पर खड़ा हुआ है और अपनी पहचान को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश कर रहा है। 5,000 लोगों से कम लोगों का ये समुदाय है बेने इजरायली का, जिनके जीवन में है कहानियों का पिटारा जिसे बस खुलने का इंतजार है। मेरा नाम आदित्य है इमरा जी, एंड पहले तो फर्स्ट टाइम मैं सिनेगॉग के अंदर रैली आया हूँ विद द कम्युनिटी, और आपका जो ये जो प्रेयर मीटिंग थी आपकी इवनिंग प्रेयर्स, उसे देख के और सुन के लोगों को मिलके एब्सोल्युटली वंडरफुल, सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम। इस सिनेगॉग के बारे में थोड़ा सा बताइए ना, कितना पुराना, क्या हिस्ट्री है इसकी? ये सिनेगॉग 98 ईयर्स ओल्ड है। ओके, दिस इज अ बेने इजराइल, द ओनली बेने इजराइल सिनेगॉग इन पुणे। एंड बेने इजराइल का मतलब क्या है? बेने इजराइल मींस सन ऑफ इजराइल। इंडिया के जो ज्यूज है कोंकण के, हम उनको बेने इजराइल बोलते हैं। ऑलराइट। ऐसा इजराइल नाम भी है जी। हमारा जैसा लास्ट नेम सरनेम इजराइल है। इजराइल, वो इजराइल स्टेट ऑफ इजराइल के पहले से है वो नाम। इतनी पुरानी कम्युनिटी आपकी जो है, खाने के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि तो आपके पास है कोई ऐसी रेसिपीज, मतलब जो बिल्कुल ऑथेंटिक, जो पहले बनती थी आज नहीं बनती है आपके बेने इजराइल कम्युनिटी की? हाँ जी, अभी एक मन में आ रहा है मेरी रेसिपी जी, जो मैं जॉइंट फैमिली में मेरी दादी, मेरी मम्मी, मेरी चाची जी और सब लोग बनाते थे और हमको बहुत ही पसंद थे। ओके, तो हम आज बना सकते हैं यहाँ पे, कर सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा सिनेगॉग है जी, और उसके बाहर कंपाउंड में हम बना सकते हैं। ऑफ कोर्स, चलिए जी, मैं आपके साथ आ रहा हूँ फिर, दिस इज वेरी एक्साइटिंग, आइए। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप आज कौन सी रेसिपीज हमारे लिए बनाने वाले हो लॉस्ट? तो आज एक डिश हम बनाने वाले हैं, उसका नाम है फिश अल्बेरस। सबसे पहले ऐसा फ्लैट पतीला चाहिए क्योंकि ये लेयरिंग रेसिपी है। ऑलराइट, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि वो ऐसा फ्लैट हो। फ्लैट हो। ऑलराइट, ओके जी। फिर इसमें तेल लेंगे। ओके, यहाँ पे हम ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हैं। राइट, तो ये ट्रेडिशनल, मतलब ऑलिव ऑयल जो आप यूज कर रहे हैं, दिस इज ट्रेडिशनल, मतलब इजराइल में भी जो ज्यूइश कम्युनिटी है यूजिंग ऑलिव ऑयल। करेक्ट, राइट, नेचुरली, क्योंकि वहाँ पे तो ये ग्रो होता है। तो ये जो बेने इजराइली हैं, उन्हें हम रायगढ़ में शनिवार तेली कहते हैं। तो उनका ये मानना है कि जब वो इजराइल में हुआ करते थे, तो इजराइल का जो उनका बड़ा फेमस टेंपल हुआ करता था, टेंपल ऑफ सोलोमन, वहाँ तेलियों का काम करते थे वो। और यहाँ शिपरेक होने के बाद भी उन्होंने वही काम लिया, और बहुत सारे उनके जो रीति रिवाज थे वो भूल गए, उनके बहुत सारे जो रिलीजियस रिवाज थे वो भी भूल गए। छोटा सा उनका एक प्रेयर था शेमा इजराइल, सिर्फ वो थोड़ा सा उनको याद आता था। उनको ये याद था कि शनिवार को हमेशा वो छुट्टी लेते थे और शनिवार को काम नहीं करना है, ऐसा यहूदी धर्म में लिखा हुआ है, तो शनिवार को वो काम नहीं करते थे। इसी कारण से उन्हें महाराष्ट्र में शनिवार तेली कहा जाता है, सैटरडे ऑयल प्रेसर्स, के जो शनिवार को काम नहीं करते थे। अभी हम आधा चम्मच जीरा, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे उसमें, मिर्ची कटी हुई, लवली, अदरक कटा हुआ और लहसुन कटा हुआ। फिर इसमें हम थोड़ा हल्दी डालते हैं, अभी उसमें थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डालते, लवली। ऑलराइट, तो हल्का सा येलो सा रंग इसमें आ गया है। अभी ये जो कटे हुए आलू है, थिन स्लाइस है, हाँ, उसको जरा अरेंज करना है यहाँ पे। ओके, ताकि वो पक जाए। ऑलराइट, अब क्या करना है जी? अभी इसमें थोड़ा सा ये आलू के लिए थोड़ा सा नमक, नॉर्मल, मतलब हमारा वाइट नमक नहीं यूज कर रहे हैं, ये दिस इज आल्सो कोशर नमक, नॉट नेसेसरी कोशर नमक, बट इट इज द प्योर नमक, सी सॉल्ट, द सी सॉल्ट। ओके, ये सी सॉल्ट है, यू कैन यूज एनी नमक। तो अब अभी हम इसमें नारियल का दूध, वाओ, ओके, पूरा,
ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है तो इसमें पानी भरकेंगे इक्वल. तो यानी कि एक कप नारियल का दूध और एक कप पानी डाल के. खुशबू जो है कोकोनट मिल्क के डालते ही ओहो मजेदार. चलो जी उबाल आ गया इसमें. उबाल आ गया. अभी इसको थोड़ा सा कवर करके उसको स्लो आग पे रख के थोड़ा सा पटाखा पकना चाहिए. तो आप बोल रहे थे ये जो डिश है ये एक लेयर्ड डिश बनने वाली है. करेक्ट. तो ये पहला लेयर है आलू के साथ. राइट. और ये जो नारियल का दूध है ये अब इसमें ये पक जाएगा, आलू को पका देगा और अब्सॉर्ब भी हो जाएगा. राइट. क्योंकि आलू को ज्यादा देर लगता है कुक करने के लिए. यदि इसमें चिकन डालते थे तो सब साथ में डालते. लेकिन जल्दी कुक होता है तो खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा. ओके वंडरफुल. तो अभी हम देखेंगे आलू पक गया कि नहीं. मुझे लगता है ये देखो पक गया है. ओके जी व्हाट्स नेक्स्ट. तो अभी हम फिश डालेंगे. जी इसमें थोड़ा कोकम डालना है. कोकम से थोड़ा खटास आती है. ये भी अपने कोंकण के हैं. राइट. और अच्छा मैं इसके ऊपर टमाटर डालती हूँ. और इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे पहला. और फिर उसको बंद करके कुक करेंगे. अच्छा कितना देर अभी पकना है बताइए. 5 मिनट भी नहीं लगेंगे. फिश ऑलरेडी ऑलमोस्ट पका हुआ है. 5 मिनट में हमारा ये डिश रेडी हो जाएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने नारियल भात के साथ. ऑलराइट. तो इसको चेक करते हैं जी. लेट्स सी अगर ये हुआ है कि नहीं. हाँ हुआ है. फर्स्ट क्लास. ये तो बहुत ही बढ़िया हमारी ये डिश निकल के आई है और बहुत ही जल्द पक्के निकली है. अब क्या करना है. फिश इज डन. फिश इज डन जी. इसमें थोड़ा सा मैरिनेट ये और शो के लिए थोड़ा सा धनिया डाल दिया. और बहुत अच्छा सर्व करना है. ओके फाइन. जब चाहो ऑन हो जाओ. एपिक ऑन चलाओ. Available across all devices.